मेरे को याद है 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, 2014 की गर्मियां याद है, 8-8 घंटे के पावर कट पूरी दिल्ली में लगते थे, दिल्ली में बिजली की कमी थी, बिजली थी नहीं, बताओ देश की राजधानी में 8 घंटे के पावर कट लगेंगे तो क्या तरक्की करेगा देश। आज 8 साल के बाद दिल्ली के किसी एरिया में पावर कट नहीं लगते, लोकल कभी ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, केबल जल सकती है, दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है, 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं। फ्री बिजली आती है कि नहीं आती है? इनको बड़ी तकलीफ होती है दूसरी पार्टियों वालों को, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर किसी के 2000-3000 रुपए महीना बिजली का बिल बच जाए, बताओ उनको क्या तकलीफ है? 2-3 हजार रुपए महीना बच जाए, बच्चों पे खर्च करता है आदमी, उनको अच्छी शिक्षा दिलाता है, उनको अच्छा खाना खिला देता है, इनको क्या तकलीफ है? गलत तो नहीं कह रहा मैं, घर चोरी करके तो नहीं ले जा रहा पैसा, आपके ऊपर ही खर्च कर रहा हूं, आपका ही तो बिजली का बिल कम कर रहा हूं। तो आज दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे मिलती है, अब पंजाब में भी मिलने लग गई, पहले पंजाब में भी पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आ रही है पंजाब में, और फ्री में बिजली मिलने लग गई पंजाब में भी। दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूल, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे एमएलए साहब आपके, 14 सरकारी स्कूल है विकासपुरी में, सब बुरी तरह बुरा हाल था, कहीं टेंट वाले स्कूल थे, टूटे हुए क्लासरूम थे, शानदार बिल्डिंग बना दी सारे सरकारी स्कूलों की। अब ढेरों लोग पूरी दिल्ली में ढेरों लोग प्राइवेट स्कूलों से, पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दी है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो हम चांद पे पहुंचेंगे, अनपढ़ रह गए हमारे बच्चे तो चांद पे कैसे पहुंचेंगे? सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश तरक्की कैसे करेगा? तो मैंने ठान रखी है सारे बच्चों को, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। और आपके लिए पूरी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज का इंतजाम कर दिया, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ सब कुछ फ्री है, सारी दवाइयां फ्री हैं, सारे टेस्ट फ्री हैं, चाहे कोई अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। तो पूरे सीसीटीवी कैमरे भी, महेंद्र जी सीसीटीवी कैमरे लग गए पूरे इलाके में, सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए पूरे इलाके के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अब अगर कोई भी बदमाशी करेगा तो सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जाएगा।